ठीक ना होई। षड्यंत्र के मंत्र हमके ना आवेला, जवान भी काम कर लिए ताल ठोक के और नहीं तो सामने वाला के ठोक के। ये सही लग रहा है यार, ये होना चाहिए। बॉडी अच्छी बना रखी है यार। सही यार, अगर हमरा बारे में जान जाइबे ना तो 4 इंच 24 सेंटीमीटर फट जाए। सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज इंडिया को इस रेड बटन को दबाकर और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए हमारे वीडियोस सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज इंडिया, दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। सो टुडे वी आर गोइंग टू वॉच दबंग सरकार ऑफिशियल ट्रेलर 2। ओके, ये ऑफिशियल ट्रेलर 2 है जिसमें खेसरी लाल यादव है और साथ में है आकांक्षा अवस्थी। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी यार भाई, सच में बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए कि इस पे भाई रिएक्शन दे ही दो यार। राइट, तो दे ही देते हैं, दे ही देते हैं। पहला 2 मिलियन व्यूज है ट्रेलर पे, तो पता चल रहा है इसी से कि कितना फेमस ट्रेलर 2 है। ट्रेलर 1 भी है उस पे 5 मिलियन व्यू है, बट ट्रेलर 2 के लिए रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही थी तो मैंने सोचा हो सकता है ट्रेलर 2 ज़्यादा अच्छा हो, तो देख लेते हैं वीडियो। जिंदाबाद ना वो जिंदाबाद, जे हमनी के जीत के विधायक बनाई वो जनता जनार्दन जिंदाबाद। दबंग सरकार। ओहो, पुलिस वाला लग रहा ना। दिन भर खाली आवारा कर, अगर तोरा के पहलवानी ही करे के रहे तो फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन पास करे का क्या जरूरत रहे। अगर ये आमिर खान सोची तो दंगल फिल्म बन। एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है। वॉइस बहुत शानदार दिल दहला देने वाला ये खौफनाक मंजर है फूलपुर अस्पताल का, जहां पर नकली दवाओं के सेवन से कई मासूमों ने दम तोड़ दिया है। हम केव से झगड़ा ना करो, हम वादा करते नहीं पहुंची। हमारे भैया के पास बहुत अकल बा, और ही बात ना एक दिन सब का ही। मुझे लगा पुलिस वाला है। पुष्कर महाराज जा, अमृतक आत्मा के बैकुंठ पहुंचावा, घटना के दुर्घटना बना दिया। ओ, उसको मार के पटक दिया। अबे तो जिंदा डबल रोल होगा, कंफ्यूज कर दिया भाई। ओ ऐसन रे लव गाड़ी तावते हुई तो नहीं के ले जाए खाती, लेकिन वो गाड़ी गाड़ी ना हुई एम्बुलेंस। अरे कमर के झटका मार मार के बिजली गिरती देखा। हमरा से डबल क्रॉस मत करिए, ठीक ना हुई। षड्यंत्र के मंत्र हमके ना आवेला, जवान भी काम कर लिए ताल ठोक के और नहीं तो सामने वाला के। अगर हमरा बारे में जान जाइबे ना तो 4 इंच 24 सेंटीमीटर फट जाए। बाजार का नाश्ता हम नहीं करते हैं, तेल ज्यादा रहता है ना तो लैट्रिन ढीला होती है। अरे हम पूरा मर्द बनी, यहाँ का देख रहा बड़ा लोग, वहाँ देखा जहाँ मुसीबत बढ़ती पैर के आयल भी है। ओ शिट, धड़का
ओए सही सीधा है। और इसकी स्टोरी भी जबरदस्त होगी यार, क्वालिटी से बनी है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा दबंग जैसा, दबंग मुझे भी लग रहा है दबंग मतलब थोड़ा पैसे भी खाता होगा विलेन से और फिर आखिर में उन विलेनों को ही ठोकता होगा। हाँ ऐसा लग रहा है, वो वाला सीन लग रहा है। खैर अपन ने देखी नहीं है, आप लोगों ने देखी तो जरूर कमेंट करके बताना। एक्शन बहुत बेहतरीन लगा मुझे और एक्टिंग भी कमाल की, एक्टिंग भी बहुत सही है। और दबंग सरकार नाम रखा है और दबंग दिखाया वाकई बिल्कुल दिखाया, खास करके पुलिस की वर्दी में क्या डैशिंग लगे यार सच में यार। बॉडी भी अच्छी बना रखी है खेसरी लाल, मतलब पूरे पुलिस वाले अवतार मतलब बिल्कुल अजय देवगन लग रहा था मुझे तो, सिंघम वाले बिल्कुल। बट खेसरी है यार पूरा, कंपेयर किसी से नहीं कर सकते। अगर बात करें जब वो नॉर्मल बंदे का रोल कर रहे थे जो कुछ भी नहीं करता, वो दंगल वाला डायलॉग वाला था कि अगर ऐसा होता दंगल नहीं करता आमिर खान, तो वो उसमें एक्टिंग देखो आप बिल्कुल वैसे ही। और वैसे ही जब यहाँ दबंग बन गया के बाद दबंग एकदम यार, चार इंच वाला डायलॉग अच्छा लगा, चार इंच चेंज फाड़ दे वो सही था यार। और वो वाला थोड़ा सा हम तेल ज्यादा नहीं आकांक्षा अवस्थी इसमें एक्ट्रेस थी जिन्हें सिर्फ सॉन्ग्स में दिखाया गया है और सीन्स में भी। और वो जो एंड में जो थी वो रेड कलर के कपड़ों में वो कोई और थी ना, बार बार डांस के लिए तो कोई और ही दिखा रहे थे ना बार-बार। वो उसके हाथ में गन भी थी, वो पता नहीं कौन थी उसमें तो दिखाया नहीं चेहरा ठीक से। हाँ और बात करें तो एक्टिंग तो जबरदस्त थी, एक्शन भरपूर था, म्यूजिक अमेजिंग था बहुत, और जो सिंगिंग में ऑब्वियसली केसरी लाल ने गाए हैं कुछ सॉन्ग्स तो वो भी अमेजिंग, जो स्टार्टिंग में थे वो वाले सॉन्ग भी बहुत अच्छे यार। बहुत मस्त ट्रेलर लगा, बहुत धमाकेदार ट्रेलर अभी तक का खेसरी लाल का सबसे बेस्ट ट्रेलर खेसरी लाल बोल सकते हैं। क्या की बात करें अभी तक का तो खेसरी लाल का अभी तक का सबसे बेस्ट ट्रेलर। अच्छा हुआ आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया, आप समझ में आया आप लोगों ने क्यों रिक्वेस्ट किया। अभी तक का ट्रेलर वन भी अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से इसका, अभी देखते हैं रिस्पॉन्स। मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा तो मेरे ख्याल से उस पर रिएक्शन नहीं देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही होगा। आप लोग बताइए किस पर रिएक्शन हमें और देना चाहिए आगे, इस तरह की कुछ और मूवी हो, जरूरी नहीं है कि खेसारी लाल सर की ही मूवी हो। आप और भोजपुरी इंडस्ट्री के फैंस से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है ना वो बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है। बट जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जितना भी सपोर्ट किया, हमारे वीडियोस को शेयर किया, मुझे बताया कुछ लोगों ने, हमने भोजपुरी के फेसबुक पेज पे शेयर भी किए हैं वीडियोस और मैंने देखे भी है कुछ फेसबुक पेज पे हमारे। मुझे लगता नहीं हमारे अलावा कोई और कुछ पता ही नहीं था भोजपुरी इंडस्ट्री भी है और वहाँ पे ऐसी मूवीज इतनी ज्यादा बेहतरीन, इतने बड़े लेवल पे मूवीज बन रही वो पता नहीं था मुझे। मुझे सिर्फ ये लगता था कि वहाँ सॉन्ग्स बनते हैं और थोड़ी बहुत छोटी मतलब लोकल लेवल पे मूवी बनती होगी, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे बन रही है, बहुत बड़े लेवल पे काफी पैसा खर्चा दिख रहा है और काफी अच्छी सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन भी अच्छा है इस मूवी का। धीरे धीरे और ज्यादा फास्ट ग्रो हो रही है, हो रहा है तो अच्छी बात है भोजपुरी। अरे ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है, मतलब जी वालों ने भोजपुरी का एक पूरा वो चैनल बना के रखा हुआ है। हाँ। कि भोजपुरी की सारी चीजें उस पे आती है, तो जी के भोजपुरी मूवीज के ट्रेलर्स उस पर रिलीज होते हैं, मूवीज के सॉन्ग्स उस पर रिलीज होते हैं, तो ऑब्वियसली यार काफी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को हम जो भोजपुरी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं आप देख रहे हैं ट्रेलर्स वगैरह गाने वगैरह तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम इंडिया के सारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं एक्चुअली। हमने अभी तक मराठी साउथ इंडियन बंगाली सभी तरह की मूवीज पर रिएक्शन कर रहे हैं और अभी हम थोड़ा सा भोजपुरी साइड आए हैं तो प्लीज़ यार थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेजेस ग्रुप्स उन पर शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों को बोलिए, अपने जो भी ग्रुप्स हैं उनमें सबको बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को देखें लाइक करें और कुछ अच्छे भोजपुरी यूट्यूबर्स हो उनका भी सजेशन दें तो उनके वीडियो पर उनकी वीडियो भी आपके फेवरेट भोजपुरी यूट्यूबर कोई है तो या जो फनी वीडियोज या प्रैंक वगैरह करते हो तो उनके भी देखना चाहिए हम तो प्लीज़ आप जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो हमारी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।